Hello students, welcome to our channel K2S Career Zone. I'm Dr. Bindiya Narang. Hum kar rahe hain 10 plus 1 biology ka chapter, body fluids and circulation. Body fluids and circulation mein ab tak humne double circulation ke baare mein padh liya hai. ठीक है, हमने साथ साथ में लास्ट लेक्चर में कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में भी पढ़ा कि हार्ट को जो अपनी उसकी खुद की ब्लड सप्लाई होती है दैट इज थ्रू कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स. आज हम पढ़ेंगे पोर्टल सिस्टम. पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल सिस्टम मींस कि कोई भी ऑर्गन जो है वो डायरेक्टली अपना जो भी ब्लड है वो हार्ट को डायरेक्टली सप्लाई ना करकर पहले किसी अनदर ऑर्गन को करे और वो ऑर्गन फिर उस ब्लड को हार्ट तक पहुंचाए, तो इस तरह का जो सिस्टम है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पोर्टल सिस्टम, यानी कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर का सिस्टम. ठीक है, ऐसा ही एक पोर्टल सिस्टम जो है वो हमें मिलता है लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में, जिसे हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. दैट इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या कहता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ये कहता है कि हमारे इंटेस्टाइन में जब जो भी फूड है वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होकर वो सारा फूड जो है अब उसको एब्जॉर्ब होना है. एब्जॉर्ब मीन्स अब उस फूड को ब्लड के अंदर मिक्स होना है. तो इंटेस्टाइन में जो भी फूड है जिसको ब्लड के अंदर मिक्स होना है वो कहाँ पर जाएगा? वो इंटेस्टाइन में फैली हुई कैपिलरीज में जाएगा. कैपिलरीज आपको मैंने बताया था आर्टरीज. आर्टरीज जो है आगे खुलती हैं इनटू छोटी छोटी ट्यूब्स में बढ़ जाती हैं इनटू आर्टेरियोल्स. दो नहीं, बहुत सारी ऐसी होती हैं. और आर्टेरियोल्स आगे खुलती हैं इनटू कैपिलरीज. तो ये कैपिलरीज ऑर्गन तक पहुंचती हैं. तो इंटेस्टाइन में भी ऐसे ही कैपिलरीज का जाल होता है, एक पूरा जाल बिछा हुआ होता है. तो ये जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क है सारा, एक्चुअली जो है जो भी सेल्स ने यूज कर लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फूड वाला ब्लड, और जो वेस्ट यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स किया है इंटेस्टाइन में, वो सारा एक्चुअली कहाँ आना चाहिए? वो आना चाहिए वेन के अंदर, इंटेस्टाइन से निकलकर. और कहाँ जाना चाहिए था? हार्ट में, जैसे कि पूरी बॉडी में सर्कुलेशन चलती है. लेकिन ऐसा नहीं होता. ये सारा ब्लड कहाँ जाता है? ये सारा ब्लड जाता है लिवर की वेन में, दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन. हेपेटिक पोर्टल वेन से ये लिवर की कैपिलरीज में जाता है, यानी कि लिवर के सेल्स तक पहुंचता है, और लिवर के सेल्स से फिर ये जाता है हेपेटिक वेन के अंदर. हेपेटिक वेन अलग है, हेपेटिक पोर्टल वेन अलग है. हेपेटिक वेन यानी कि लिवर की वेन. अब लिवर की वेन के साथ ही ब्लड मिक्स हो जाता है जिसके अंदर लिवर का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो ये सारा ब्लड अब कहाँ जाता है? इन्फीरियर वीना कावा, और वहां से जाता है टुवर्ड्स द हार्ट. तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? जैसा पूरी बॉडी जिस चीज को फॉलो करती है कि इंटेस्टाइन की कैपिलरीज जो हैं वो इंटेस्टाइन की किसी वेन में डालती और उस वेन के थ्रू वो इंफीरियर वीना कावा और फिर हार्ट में चला जाता. इतने में ये स्टेप खत्म हो जाता. लेकिन ऐसा नहीं होता. पहले ये सारा एक स्पेशल तरह की वेन जो कि इंटेस्टाइन से लेकर जो है लिवर तक जा रही है, दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन. हेपेटिक पोर्टल वेन से ये लिवर की कैपिलरीज में जा रहा है, लिवर की कैपिलरीज से हेपेटिक वेन, देन इंफीरियर वीना कावा, और फिर हार्ट में पहुंच रहा है. तो ये सारी चीज इनडायरेक्टली हो गई. जैसे आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है. अगर आप यहाँ से यहाँ सीधा जाते हैं तो दिस इज द नॉर्मल रूट, और अगर आप यहाँ से घूमकर इधर होते हुए फिर इधर से होते हुए फिर वापस यू घूमकर इधर आए तो ये आपका सिस्टम क्या हो गया? पोर्टल सिस्टम, इनडायरेक्ट सिस्टम. अब ये इनडायरेक्ट सिस्टम ऐसा क्यों है? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि लिवर के अंदर कई चीजें जो हैं वो चाहिए होती हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स.
कई सारे वेस्ट होते हैं जो कि लिवर के अंदर पहुंचाने पड़ते हैं आफ्टर द डाइजेशन। हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन के बाद प्रोटीन्स जो हैं वो किसमें टूट जाते हैं, प्रोटीन्स टूट जाते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये लिवर में जाकर कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस बनाते हैं जो कि जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक सब्सटेंस है बीटा कैरोटीन। ये जो बीटा कैरोटीन है ये हमें किसमें मिलता है, गाजर में मिलता है, कैरेट्स में मिलता है। तो कैरेट्स जो हमने खाई वो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुई, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर ये कैरेट्स क्या बनाती हैं, बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन अब इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ जाता है, लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर जाकर बीटा कैरोटीन से क्या बन जाता है, इससे बन जाता है विटामिन ए, वो विटामिन जो हमारी साइट के लिए, आई साइट के लिए, हमारी विजन के लिए जरूरी है। इसीलिए इंटेस्टाइन से एक बार सब्सटेंसेस जो है वो कहाँ जाते हैं, लिवर के अंदर। जो कुछ यूजफुल होता है तो वो यूज हो जाता है, नहीं तो वो वापस हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू हार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। दिस इज हाउ अ पोर्टल सिस्टम ऑपरेट्स। इसके अलावा एक और पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर ऑपरेट होता है एंड दैट पोर्टल सिस्टम इज नोन एज नंबर टू पोर्टल सिस्टम, दैट इज हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस है जो कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, पूरे उसके अंदर जो है कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है और ये जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क है ये सारा क्या करता है, ये एक पोर्टल सिस्टम बनाता है। अब होना क्या चाहिए था, इन कैपिलरीज को डायरेक्टली वेन में और वेन को हार्ट में जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। ये सारे जो हाइपोफाइजियल पोर्टल हैं जो ब्रेन से निकलता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हमारा, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन निकलती है उससे रिलेटेड, ये हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के अंदर कई सारे जो है हॉर्मोन्स वो इसके अंदर सिक्रीट कर दिए जाते हैं। और ये हॉर्मोन्स वाला जो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है अब ये एंटर करती है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि अगेन ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो कैपिलरीज हैं वेन्स के आगे जो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को पहुंचाती हैं। तो ये इनडायरेक्ट वे हो गया, होना क्या चाहिए था, ये डायरेक्टली ब्लड जो है वेन के थ्रू हार्ट तक जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना है इसीलिए बीच में हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है जो कि पिट्यूटरी तक निकलती है। तो इस तरह से हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम काम करते हैं। नेक्स्ट एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ईसीजी। नॉर्मली आपने देखा होगा, मूवीज में भी आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में कोई बेड पर लेटा हुआ होता है और उसके पास में एक मॉनिटर सा होता है यहाँ पर, और इस मॉनिटर पे इस तरह से कुछ लाइंस चल रही होती हैं। दीज लाइंस इंडिकेट्स द ईसीजी। ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं जो कि हमारे हार्ट के अंदर हो रही हैं, उन सब इलेक्ट्रिकल चेंजेस को हम जो है कुछ उनके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं सारे, उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं एक ग्राफ के ऊपर, जिससे कि हमें हार्ट की वर्किंग का पता चल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ईसीजी। ईसीजी के लिए जो है एक ग्राफ पेपर होता है, जैसे कि आप स्कूल में यूज करते होंगे, इस तरह से छोटे छोटे से इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ऐसा होता है ग्राफ पेपर। ये जो ग्राफ पेपर है ऐसा ही एक ग्राफ पेपर ईसीजी की मशीन में डाला जाता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
और इसके ऊपर जो है रीडिंग्स आती हैं, डिफरेंट फ्लक्चुएशंस आती हैं, ऊपर नीचे की और वेव्स बनी हुई होती हैं, जो कि हमें हार्ट के बारे में, हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में बताती हैं। ठीक है, ऐसा होता है ईसीजी। अगर हम नॉर्मल ईसीजी देखें तो ईसीजी के अंदर 3 वेव्स होती हैं, पी वेव, क्यू आर एस, 3 वेव्स मिलाकर होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और एक होती है पी वेव। पी वेव जो है वो क्या इंडिकेट करती है, पहले मैं आपको एक ईसीजी बनाकर बताती हूँ कि कैसा होता है। तो एक स्टैंडर्ड जो है, सेंटर में एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं बिना ग्राफ के आपको बताते हुए। तो यहाँ पर एक पी वेव, इस तरह से ये होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और फिर होती है ये टी वेव। This is P, Q, R, S and T. ये P से लेकर ये P, उसके बाद फिर यहाँ से एक नई P. एक हार्ट बीट कहाँ से कहाँ तक हुई, इस P से लेकर ये जो अगली P वेव है इसके स्टार्टिंग तक, यहाँ तक, फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, इस जगह से शुरू होकर जहाँ से अगली पी शुरू हो रही है, ये हमारी क्या है, एक हार्ट बीट। इस एक हार्ट बीट में क्या होता है, हमने पढ़ा एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं कार्डिक साइकिल में, और यही सारे चेंजेस हमें ईसीजी में भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पी वेव, पी वेव हमें क्या डिनोट करती है, पी वेव हमें शो करती है एट्रिया की डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलर एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जिसमें एस ए नोड से जो इम्पल्स है वो चला, इम्पल्स क्या है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना, ठीक है, और वो पूरे एट्रिया में फैल गया। ये सारी चीज हमें पी वेव से पता चलती है। पी वेव क्या है, दिस इज पी वेव, क्यू आर एस एंड ये है पी वेव। ये पी वेव हमें क्या शो करती है कि एट्रिया कितने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने अच्छे से उनके अंदर फिलिंग हुई थी, और ऐसे नोड ने कितने अच्छे से उनके अंदर जो है इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर किया है ताकि एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, राइट। फिर आती है क्यू आर एस वेव। क्यू आर एस जो है वो 3 वेव्स मिलाकर बनी है, क्यू आर एस दैट इज, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। 3 वेव्स को मिलाकर एक वेव बनती है और इसे अब हम बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमें क्या शो करता है कि एट्रिया से जो डीपोलराइजेशन है, यानी कि जो इम्पल्स है, अब वो कहाँ पहुंच गया है, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो अब वेंट्रिकल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे डीपोलराइज हो रहे हैं, इसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से, यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का हमें पता चलता है थ्रू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और लास्ट है टी वेव। टी वेव से हमें क्या पता चलता है, टी वेव जो है ये एक बहुत ही स्मॉल वेव है, बहुत ही छोटी सी वेव है, और ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है वेंट्रिकुलर डायास्टॉल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद कार्डिक साइकिल में अब वेंट्रिकल्स कैसे रिलैक्स हो गए। कार्डिक साइकिल में अगर हम देखें तो फर्स्ट था जॉइंट डायस्टोल, जब कुछ भी कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, सेकंड एट्रियल सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो मेन जो कार्डिक साइकिल है वो ये 3 स्टेप्स ऑपरेट कर रहे हैं, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट और फिर वेंट्रिकल्स डायलेट। तो ये तीनों को, इसको पी वेव, इसको क्यू आर एस वेव और इसको टी वेव जो है वो डिनोट कर रहे हैं। अब इस ईसीजी को देखकर हम कई तरह की बीमारियों का भी पता लगा लेते हैं, ठीक है। बेसिकली कैसे हमें पता चलता है, अगर जो हमारे पास पी वेव है वो एनलार्ज्ड है, पी वेव जो है बड़ी हुई है, इसका मतलब एट्रिया भी एनलार्ज्ड है। पी वेव एनलार्ज्ड तो मतलब एट्रिया भी एनलार्ज्ड है, एक तो हमें ये इंडिकेशन मिल गई। दूसरा क्यू वेव से हमें क्या पता चलता है, मैं यहाँ फिर से ईसीजी बना रही हूँ, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी। पी वेव ने हमें बता दिया एट्रिया के बारे में,
अब ये जो Q वेव है ये हमें क्या बताती है, Q वेव हमें बताती है कि ये नीचे तक ज्यादा हो, अगर Q वेव P वेव और Q वेव या नीचे तक ज्यादा हो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हार्ट में ब्लॉक है। हार्ट में ब्लॉक मतलब जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज आई हुई है जिसकी वजह से ब्लड नहीं मिल रहा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। दिस इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। थर्ड हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है, थर्ड हमारे पास हो सकती है एलिवेटेड एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट अगर ऊंचा उठा हो, एसटी सेगमेंट क्या है, टी क्यू आर एस और टी, टी क्यू आर एस और फिर ये टी वे, तो ये एसटी सेगमेंट हो गया। ये एसटी सेगमेंट इस तरह से नॉर्मल जो बेसिक लाइन से इतना ऊपर उठा हुआ है इसका मतलब क्या है, अचानक से हार्ट में ब्लॉक हुआ है और क्या हुआ, एक्यूट, एक्यूट मीन्स अचानक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल मतलब हार्ट की मसल्स के अंदर इन्फार्क्ट, इन्फार्क्ट मतलब एक ब्लॉकेज है। इन्फार्क्ट क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि पेशेंट को कहा जाता है कि आप जल्दी से जी बाईपास करवा लो, आपके पास इतने घंटे का टाइम है, ऐसा ऐसा कहा जाता है, 99% जी ब्लॉकेज आई है हार्ट में। आप ऐसी बातें सुनते हैं अपने आसपास, 90% ब्लॉकेज है, 95% ब्लॉकेज है। तो बेसिकली ब्लॉकेज किसकी होती है, कॉरोनरी आर्टरी की होती है, और ब्लॉकेज क्या होती है, उसके अंदर एक बड़ा सारा इन्फार्क्ट आ जाता है। तो ये हम ईसीजी के एसटी सेगमेंट को देखकर भी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर टी वेव्स फ्लैटर कर रही है, फ्लैटरिंग टी वेव, टी वेव्स फ्लैटर कर रही है, टी वेव नॉर्मली ऐसी होती है लेकिन ये इस तरह से ऐसी फ्लैटरिंग हो, इसका मतलब क्या है कि हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन जो है वो कम सप्लाई हो रही है, उसकी सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। और अगर टी वेव ऐसे ऊंची हो तो इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम आयंस के लेवल जो है वो बढ़ गए हैं। आयंस को भी बताते हैं, अगर बॉडी के अंदर पोटेशियम आयंस बढ़ जाए तो भी टी वेव जो है वो टॉल हो जाती है। हार्ट से रिलेटेड कोई इतना उसकी इंडिकेशन नहीं होती जितनी उसकी इंडिकेशन होती है रिलेटेड टू आयंस, वो भी स्पेशली पोटेशियम आयंस, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ईसीजी। थैंक यू वेरी मच।